देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 19,000 हुई। अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में रैपिड टेस्टिंग का काम शुरू हुआ। राजस्थान ने कहा, रैपिड टेस्टिंग के नतीजे सटीक नहीं। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के बीजापुर पैदल लौट रही 12 साल की नाबालिग ने दम तोड़ा। काम के सिलसिले में गई थी तेलंगाना। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह और तुलसी सिलावट ने मंत्री पद की शपथ ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन सस्पेंड करने का ऐलान किया। कहा, महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की रक्षा के लिए फैसला जरूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रस की चेतावनी, राष्ट्रीय एकता, वैश्विक एकजुटता और विश्वास के बिना कोरोना संकट का गहराना तय। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम हुई। अमेरिका में प्रति बैरल क्रूड ऑयल $0.01, तो कनाडा में कीमत नेगेटिव में पहुंची। मक्का मदीना की मस्जिद में रमजान में नहीं होगा नमाज। देश में भी उलेमाओं ने इस साल घर पर रहकर ही इबादत करने की अपील की। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस में भी मौत का आंकड़ा 20,000 के पार हुआ। ब्रिटेन में 16,000 से ज्यादा मौतें। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हुई मौत का आंकड़ा 1,70,000 के पार हुआ। 24,81,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए।